رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أدنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لوجدوا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آيات जो आज के दर्स में जेर नज़र हैं उन पर अगरचे बहुत कुछ लिखा गया है और बड़े बड़े जत्थे बन गए हैं लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत कम वक्त लेंगी दर्श में क्योंकि अक्सर वैसे बेकार हैं और बेताल्लुक़ वैसे हैं उनमें उलझ कर सारे दिमागों को उलझाने वाली बात होगी क्योंकि रमान बहुत बहुत बारीक नुक्ते अज खुद उठाकर जिनका उस शायद से ताल्लुक़ नहीं बनता उस पर ऐसी बहसों में मुबतला हो गए हैं कि जो ना ख़त्म होने वाली बहसें बन गई हैं बा एक गलती दूसरी गलती पर मुंतजर हो जाती है मगर बहरहाल अब मुख्तसरा जितना ज़िक्र उनका करना पड़ा मैं करूँगा और साथ इनायात की आम वाज तश्री करता चले जाऊँगा जो बिलबदाहत नज़र आ जाती है अगर इंसान किसी पुराने मुहदस या मुफक्र या किसी भी मुफसर के ख्याल से मुतासर ना हो चुका हो तो फिर ये बिलवजहत नजर आने वाली बातें हैं अगर एक दफ़ा दिमाग में उनका उनकी बहस गड़ चुकी हो तो फिर बेव बेवजह बेशुमार उलझने दिखाई देंगी ये तमहीद है इसके बाद अब मैं इस आयत की तस्वीर शुरू करता हूँ वाफ़िर और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ तो तू मुनाफ़ों को देखता है कि वो तुझ से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं सदा सद्दा या सदो की बहस ाल इससे पहले लोगों की गुजर चुकी है जिसका मतलब है रुकना या रोकना इसलिए इस बहस को अब यह जो लुआब दिन वाली बात है ये बेख्तियार होती है मगर आप ये बताएं वो कहाँ गई आपकी टिकिया ये जिन्होंने ये तरकीब बताई थी ना वो तरकीब नाकाम हो गई है अब क्योंकि दस्ते में पड़े पड़े वो इतना जुड़ गए हैं कि उठते नहीं फौरन समझ गए कल से वो उसको हाजिर कर लेंगे फिर ये सब पहले गुजर चुकी हैं पहाड़ की रोग को भी सत कहते हैं सब यही लफ्ज़ दूसरी आयात में पहले आया है इसलिए उससे ईमान की हकीकत बज़ों में खैखीश ये भी पहले जिक्र गुजर नहीं चुका इब्ने जरीर तब्री लिखते हैं कि मंशा ये है कि मोहम्मद क्या तू इन मुनाफ़ों को नहीं जानता जो तुझ पर नाजिल शुदा पर बज़ों में खीश ईमान रखते हैं और इनको जो अहल किताब में से अपने गुमान में उससे पहले के नाजिल शुदा पर ईमान रखते हैं वो चाहते हैं कि ताबूत से फ़ैसला करवाएँ वैजा तालो अल्लाह वज़ाकीलता मराद ये है कि जब उन्हें कहा जाता है कि ताला तुम अल्लाह की ताला की इस फैसले की तरफ आ जाओ जो उसने अपनी किताब में नाजिल किया है और इस रसूल की तरफ़ आओ ताकि वो तुम्हारे दरम्यान फ़ैसला कर दे रैतलमुनाफिकीन यसूदूनका यानि व तेरे पास फ़ैसले की गरज से आने से खुद भी बात रहते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं तबरी की ये बात मदा है और दरअसल यही मरकजी नुकता है जिसको छोड़ने के नतीजे में और कई किस्म के वहम पैदा हुए इजाक़ी अनजल अल्लाह से ये मुराद है कि अल्लाह ताला ने, कि ने जो फ़ैसला इस किताब में नाजिल कर दिया है कि उम्र मिनखों वाला ये उसकी तरफ इशारा मालूम होता है कि जब तुम खुदा और रसूल की अतात के अहद कर बैठे हो तो अपने मामला को खुदा और रसूल की तरफ लुटाया करो इन आयात की तफसर में जब आगे मुख्तलफ़ मुफसरीन ने बयान की है झगड़ा ये पड़ गया है कि वो रसूल सला वम को छोड़ कर किस की तरफ़ जाया करते थे और वो मुनाफिन ऐसे थे जिनको पहचाना जा सकता है या उनकी पहचान में कोई दिक्कत पहचाती थी अमृ वाक़ ये है कि मुनाफिन का जिक्र क़ुरानी करीम में इसी ताल्लुक़ में पहले गुजर चुका है और उसमें आ हज़र सल्ला वम को बताया गया है कौन मुनाफिक हैं हम वो अपने सर मटकाते हैं और उनको कहा जाता है कि तोबा करो और रसूल्लाह की तरफ आओ और इस्तफ़ार करो वो सारे मजामीन यहाँ बयान किए गए हैं इसलिए उन आयात को अगर समझ लिया जाए तो इन आयात को समझने में ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आती बावजूद इसके कि वो मुनाफिक अपने तर्ज अमल की वजह से पहचाने जाते थे और सहाबा भी उनकी निशानदेही कर सकते थे मगर उस सारी सूरत में कहीं ये हुक्म नहीं है कि उनको मुनाफिक कह कर मुनाफिक समझ कर उनकी हरकत के नतीजे में उनको गर्द कर दो कहीं कोई इशारा नहीं ये है कि उनको तवज्जो दिलाओ कि अगर वो इस्तिग़फ़ार से काम लें तोबा करें तो रसूल तो पहले ही उनके इस्तिग़फ़ार पर आमादा बैठा है यह है असल बात जो इन आयात में भी एक दूसरी जगह बयान हो रही है और कुरान करीम के जोड़ों में से एक ये भी जोड़ा है कुरान करीम में बहुत से मजामी जोड़ा जोड़ा बयान होते हैं और मुख्तलि जावियों से उन पर रोशनी पड़ती है बस इस बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन थे और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए अक्सर मुफसरीन का दिमाग सज़ा की तरफ़ गया है और वह हैरान बैठे हैं कि सज़ा क्यों नहीं मिल रही उसकी अजीब अजीब तोजीहत करते हैं फिर इस बहस में पड़ गए हैं कि वो तागूत कौन था जिसकी तरफ वो रजू किया उन्होंने और नौजबिलिकसी ऐसी ऐसी बातें उसमें बयान कर दी हैं जो हकीकत कल कुफर पर मंतज होती हैं ये ख़ुलासा है इन बहसों का अब मैं आपको मुख्तर इन की बातें बयान करता हूँ आपसे अलामा अबोहिया के नज़दिक रैतुलमुनाफिकन से ज़ाहिर है कि इस रोज से मुराद ज़ाहरी आँखों से देखना है कि उन्होंने जाहरी तौर पर रोका है ये ग़लत है रता का जो तो मुहावरा है अरायता क़ुरान करीम में इस कसरत से मिलता है कि इसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं कि इसमें क्या तुझे समझ नहीं आई क्या तुझे पहचान नहीं ली ये बात देखनी देखी भाली नहीं हमारी इन महा मौम, इन मामलों में इस तल्लक़ में आरता का मुहावरा ग्री में आम है अबूल हसन अल्मी कहते हैं कि इस आयत में मुनाफिकी से मुराद आल मोहम्मद के सब दुश्मन हैं और उन्ही के बारे में आयता ही है अब इस आयत में क्या है इज़ाख़ीलाम ताला अनु वही रसूल रायतल रायतलमुनाफ़ी यदूनआन का सुदूदा कि जब तू देखता है जब उन्हें कहा जाता है कि आओ मा रसूल जो अल्लाह और उसके रसूल पर उतारा गया रतलमुनाफ़ी यद नान का सुदूदा तो मुनाफिकीन तुझसे रुकते और तुझसे बचते हैं यहाँ हज़रत अली का जिक्र कहाँ मिलता है बात तो रसूल वसम की हो रही है मुखातब आपको फरमाया जा रहा है और उनका रुकना भी आपसे रुकना है इसका हल इन्होंने ये तलाश कर लिया है एक और जगह ये इनकी रिवायत आएगी वो कहते हैं दरअसल ये आयत जो है ये मुकम्मल आयत नहीं है ये आयत यूँ थी वाख़ीम तामा अनज्ला वसूल या अली हो रतमनाफिन कहते हैं कि आयत यूँ थी जो ग़लती से मुख्तर बयान हो गई है कि ए अली जब यू तू देखे क्या देखे कि वो रुकते हैं अन का व रसुल तो इस तरह वो अली को बीच में दाखिल करके इस मौक़ की तैद करते हैं कि दरअसल इसमें मुनाफकिन से मुराद आले मोहमरद के सब दुश्मन हैं और दुश्मन आज खुद आले मोहम्मद के बना लिया है बात चाली जो हो ही नहीं रही वो आले मोहम्मद का ज़िक्र और उसकी दुश्मनी का कोई तस्करा यहाँ मौजूद नहीं है एक रवायात जो आगे आएगी जो पहले भी शायद गुजर चुकी है मैं उसमें बहस कर चाहूँगा ताबूत की तरफ हवाला जिसमें है उसमें इन लोगों ने बड़े जुल्म से काम लिया है कि एक ऐसा वाक़ बयान करना शुरू कर दिया है जिसका ताल्लुक हज़रत उमर से है कि रसूल सल्ला वम से तो वो घबराते थे और अपना मुकदमा हज़रत उमर की पास ले गए और मुकदमे से उस शख्स का कतल होना कत्ल किया जाना तभी तौर पर साबित था इसलिए हज़रत उमर तनोंने फौरी तौर पर उसके कतल का हुक्म दे दिया ये रवायत जो है इसकी कोई बुनियाद नहीं क्योंकि आज्र सला वसम के मतलब सब जानते थे कि अगर कोई नरमी के पहलू ले सकता है तो ये वजूद ले सकता है हर उम्र के मतलब सब जानते थे कि नहाय ख़शमगी हैं और अगर सख्ती का पहलू नज़र आया तो ज़रूर सख्ती के पहलू लें और उस रवायत में एक और धोखा ये किया गया है हज़रत उमर के मतलिक ये बयान किया गया है कि उन्होंने इसलिए उसको कत्ल किया कि रसुल्ला की तरफ कोई फ़ैसला नहीं लिया गया ये नई बात बनाई है हालांकि हजरत उमर का ये कोई हक़ नहीं था किसी को कत्ल करते रसुल्ला सरम की मौजूदगी में आपकी इजाज़त के बग़र कत्ल का फैसला अपने हाथ में लेते उन्होंने फ़ैसला ये दिया था कि दो फरीक हैं झगड़ने वाले एक शख्स का कत्ल सबित है और उनकी अपनी किताबों से उस शख्स को लाजमन कत्ल करना चाहिए बस मुकदमे का फ़ैसला था कत्ल करना लेकिन ये भी झूठ है उमर की तरफ गए ही नहीं और झूठ इसलिए साबित है कि यहाँ तागूत की बात हो रही है में जाले कि वो तागूत की तरफ़ जाते हैं और तुझसे हट जाते हैं तो इन लोगों से पूछे कोई कि हज़रत उमर की तरफ ले जाकर उमर की क्या शक्ल पेश कर रहे हैं क्या वो नाउज़ बिल्ला में झालिकावूत बनते हैं कि रसूल व्लम से हटाकर फ़ैसलों को उनकी तरफ ले जाया जा रहा है इस सिलसिले में हज़रतलिफुलमसी अव्वल का एक दिलचस्प इकतेवास है जिसमें आपने इस बात को एक अजीब रंग में बयान फरमाया है रैतलमनाफिकन यद्दूनआन का सदूदा एक कहानी मशहूर है किसी यहूदी का किसी मुनाफे से झगड़ा हुआ वो दोनों बार गए नबी में गए नबी करीम ने यहूदी को डिग्री दी जो मुनाफे के मुजिर थी उसने कहा मैं तो उम्र का फ़ैसला मानूँगा चुनाचे वहाँ गए हज़र उम्र ने कहा मैं तुम्हारे गर्दन उड़ाता हूँ ये जो बात कही है फरमाया है ये कहानी मशहूर है साफ पता चलता है कि इस रवायत पर ज़र्रा भी एतबार नहीं और कहानी कहकर इस बात का हवाला दे दिया अब इसबाब नजूल वाहिदी में इस क़े का जिक्र है और उस पर एक मुख्तर तबसरा भी हमारे हाफ मुजफ़र साहब का वाहिदी ने इसबा नजूल में जिक्र ये किया है फ़ादा बयान करते हैं कि आयत कैश नामी एक अंसारी और एक यहूदी के माबैन एक झगड़े के बारे में नाजिल हुई फ़तादा बयान करते हैं कि आयत कैश नामी एक अंसारी और एक यहूदी के मबैन एक झगड़े के बारे में नाजुल हुई दोनों आ हज़रत सल्ला वसम को नज़रअाज़ करते हुए फ़ैसला कराने के लिए मदीना के एक के पास गया ये कहानी बिल्कुल अजीब वरीब मुख्त एक और ही कहानी है यानी अंसारी भी और वो यहूदी भी दोनों ही गोया के इस आयत को की तहकीर या इसकी तखफीफ का मुझे बने हालाँकि हरगे ये सूरत नामुमकिन है कि अंसारी हो और झगड़े में वो आरत की तरफ की बजाय किसी और तरफ रजू करे नाम भी है ऐस नाम अंसारी अल्लाह ताला ने इस पर उनकी मजम्मत की यहूदी अल्लाह के नबी से फैसला की तरफ बुलाता था उसे मालूम था कि हजूर उस पर म नासाफी नहीं करेंगे जबकि कैस अनसारी इससे इनकार करता था अब ये भी कैसी लगभग बात है इन्ना अन यहूदी तो जाता था रसोलम की तरफ लेकिन कैश उनसारी ने कहा हरगेज़ नहीं वो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाएगा इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल शरमाई और मुसलमान होने के दावेदार और अहल किताब यहूदी की मजम्मत की नाज़िल नाजुशमाई और मुसलमान होने के दावेदारों की और अहल किताब यहूदी की मजम्मत की अब वो बेचारा किस बात पे मजमूम हुआ उसने तो रसूल सलम की तरफ ही मामले को ले जाना चाहा था तो इस किस्म की शान रजूल की बातें अलामा वाहिदी ने ऐसे इकट्ठा कर दी हैं जिनकी कोई बुनियाद कहीं दिखाई नहीं देती मौलवी हाफिज़ मुजफ़रम साहब ने जो माशा हदीस के बहुत अली दर्जे के माहिर हैं मुख्तलिफ़ रवायात जो मैं बयान करता हूँ उनकी तइद में और रवायात भी ढूँढी है हैं या ढूँढते हैं अगरचि उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो रवायात कहीं कहीं दूर दूर से बेचारे निकाल के लाते हैं लेकिन चूँकि तायद में होती हैं इसलिए उन्होंने उनका बयान ज़रूर करना है हज़रत इबन अब्बास पर जो इन ग़लत रवायात में म्म किया गया है कि उन्होंने गोया बयान की इस ताल्लुक़ में वो ये बयान करते हैं कि इनसे मरवी है कि ये आयत एक मुनाफिक बिशर नामी के बारे में उतरी जिसका यहूदी से झगड़ा हुआ अब यहाँ नाम भी बदल गया पहला नाम कुछ और था यहाँ नाम इसलिए झूठ जु, के पाँव नहीं होते कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया जुल्म यहाँ पर हज़रत इबन अब्बास पर किया है उनसे मरवी है कि आयत एक मुनाफिक बिशक नामी के बारे में उतरी जिसका यहूदी से झगड़ा हुआ मुनाफिक ने काब बिन अशरफ से फ़ैसला करवाना चाहा जबकि यहूदी ने नबी करीम से अब यह भी बात बिल्कुल बदल गई काबिन अशरफ के पास वो ले जाना चाहता था मुकदमा और वहाँ नाम बिशर की बजाए क्या नाम है कैस। पैस, पैस नाम हैदर्ज है और एक काहिन की तरफ ये लौटते लौटते थे और यहाँ फिर इस रवायत में यह है कि यहूद मुसलमान ने जिसको अब ये मुनाफी कह रहे हैं बशर कह के अगर पहली रवायत पे काम रखे उसको मुनाफी नहीं कह सकते थे उसके मतलब कोई मुनाफत की रिवायत नहीं है इसलिए सारी बात ही बदल डाली कि वो शख्स जो मुसलमान था वो मुनाफिक था और यहूदी गोया के सच्चा सच्चे दिल का था और रसूल सच्चा ईमान रखता था मुनाफिक राजी ना हुआ उसने उसने हाँ हाँ मुनाफिक काबिन अशरफ इन काबि नशरफ के पास जाना चाहता था और यहूदी रसूल वसलम की तरफ जाना चाहता था कहते हैं दोनों फिर चले गए आखिर रसूल वम की खिदमत में यहूदी मुसलमान को घसीटता हुआ रसूल वसलम की खिदमतें ले गया हाँ हज़रत वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक हाँ में कर दिया जिस पर मुनाफिक राजी न था उसने कहा चलो अब हज़रत उमर से फैसला करवाते हैं इतनी लगभ कहानी है कि हैरत होती है कि इसको किस तरह इन लोगों ने अपनी किताबों में दर्ज कर लिया है हजरत उमर को यहूदी ने सारा कस्सा सुनाया कि ये सस रसोल्ला के फैसले पर राजी नहीं है अठहरों में अभी आता हूँ तलवार लेने गए थे जो क्या ठहरों मैं भी आता हूँ कहते हैं अंदर तलवार लेने गए थे उसी तलवार से उसका सरकल कर दिया तो ये रवायात इकट्ठी हो जाती हैं हमारी किताबों में जहाँ नज़ुल की वजूहत मालूम करने का शौक़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और हर रत वो याबिस को इकट्ठा कर दिया गया है आखिरकार मौलवी मुजहाफ़िर मुजफ़्फर साहब ने भी वही बात कही है झूठ के पाँव नहीं होते वो भूल गया कि हजरत उमर जिनसे उनकी जलाली तबीयत के बाद से बास मुनासि मुनाफिक वैसे ही डरते थे किस तरह एक यहूदी और एक मुनाफिक उनसे फ़ैसला करवाने पर आमादा हो सकता है और वो भी रसुल्ला के फैसला के बाद मालूम होता है हजरत उम्र का नाम उनकी तलवार खींच लेने की शहरत के बायस है सिर्फ फ़ौर तलवार में आंसर निकाल लीजिए इस दरोगों ने इस वजह से इसको इस्तेमाल किया और ना सोचा कि यही बात जो इस गो को बाद में पता चली मुनाफिक को पहले से मालूम थी कि हज़रत उम्र तो मुनाफिकों की गर्दनें तोड़ने के पहले के को पहले ही तैयार रहते हैं फिर वहाँ वो वहाँ फ़ैसला ले जाने के कैसे इस्तः कर, कर सकता था तो इन्होंने इस, ये बात जाए की है कि आपने जो ये लिखा है बार बार कि इब्न अब्बास पर म किया गया है उन्होंने कहा हज़रत उमर पर भी जुल्म किया गया और ये भी मैं वैसे कह चुका हूँ कि ये जुल्म सिर्फ हज़रत इबन अब्बास पर नहीं इब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला पर भी जुल्म है और इन मानों में जुल्म है कि उसे उन्हें नौज़ बिल्ल मजालिकावूत के हवाले से जिक्र तावत का मिलता है और उस हवाले में मिन हज़रत उमर का जिक्र आ गया है एफज़ा असाबतु मुसीबतुम बेम़दम तेदीम तुम अफूना बिल्लादना शान व तोफ़ीका फिर ये क्यों होता है कि जब उन पर उनके अफाल के नतीजे में कोई मुसीबत आती है तो वह घबरा जाते हैं और तेरे पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आते हैं कि हमने तो सिर्फ़ नेक सलूक और सुलह कराने का इरादा किया था अब इसमें भी इन्होंने नाम तलाश किए हैं वाक़ात तलाश करने की कोशिश की है वो कौन लोग थे रसूल रसुल से हट कर किसी दूसरी जगह गए फिर उनको और मुसीबत पड़ गई फिर वो वापस आए अब जो जिसके जिसको मुसीबत पड़ी थी उसका तो सर कलम हो गया था वो वापस कैसे आ गया इसलिए अपने इस्तलाल में ये सारी बातें भूल जाते हैं कि इन आयात का इससे कोई भी तल्लुक नहीं है कहते हैं जब उनको दूसरों से फ़ैसलों में मुसीबत पड़ी पड़ती है तो फिर वो वापस आते हैं और कौन लोग थे क्या मुसीबत पड़ती थी कब वो रसूल सकन बस वापस आया करते थे इसका कोई तसरा मौजूद नहीं है हल्फ की बहस बेकार है हम जानते हैं सब वैसे पहले गुजर चुकी हैं हल्फिस किसको कहते हैं वैजा ता मुसीबत उनकी तफ़ी में इमाम रावजी पहली तफसरों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इससे मुराद हजरत नाउज़ बिल्मिन उमर का मुनाफिक के एक साथी को क़तल करना है वही बात जो मैं उठा रहा हूँ अगर यह है इजा साबित हूँ मुसीबत तो रसूल वसलम के पास कैसे हाज़िर हो गए जिसका सर उड़ा हुआ था वो बेगर्दन बेसर का जिसम हाजिर हुआ था कि गलती हो गई मेरी तो मुसीबत पड़ गई इस फैसले से नहायत लग बातें हैं इन पर ग़ौर करते हुए भी तकलीफ़ होती है कि ज़रूरत क्या है इनको रद्द करने की मगर चूँकि रज हैं इसलिए बताना पड़ता है कि बिल्कुल लग ऐसे हैं असाबत हुं, मुसीबत हूँ में कहते हैं इससे मुराद उमर का मुनाफिक के एक साथी को क़त्ल करना है जिसने रसूल वसलम के फ़ैसला को नहीं माना था और कहते हैं यह मसल जजाज़ ने इख्तियार किया है अबू अली जेबाई कहते हैं इस मुसीबत से मुराद अल्लाह ताला का रसूल सल वसलम को हुम है कि मुनाफिकीन को गज्बात में अपने साथ ना लेकर जाएं। अब आयत देखें इज़ा साबत हूँ मुसीबत हूँ बेम तदीम इसमें कहाँ जिक्र है गबात का और मुनाफिकीन को साथ ले जाने का बस ये टामक टोईयाँ हैं अब वो मुस्लिम अलासवहानी कहते हैं कि जब अल्लाह मुनाफिकीन के बारे में यह ख़बर दी कि वो ताऊत से फैसला कराने की तरफ़ रागिब हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नापसंद करते हैं अल्लाह तसूल्ला सल्ला वसलम को बशारत दी किब उनको ऐसे मसायब पहुँचेंगे जो उन्हें आपकी तरफ धकेल देंगे ये बशारत दी है रसूल वसम को बहुत शौक था फैसले करने का खुद और मशारत दी गई है कि मुसीबतें पढ़ेंगी तो आप ही आ पाएंगे आपके पास अब आप फ़िक्र न करें यहाँ तक कि यह वो मुनाफिक रसूल वसलम तो पर ईमान का इजहार करने लगेंगे और वह हल्फ उठाने लगेंगे कि उनका एहसान और मुआफ़त पैदा करने का इरादा था ये सारी बिल्कुल ग़ बेमानी बातें हैं यहाँ कस्में चूँकि वो खाते हैं और वो असल बात मुफसिन के जहन में से निकल चुकी है इसलिए वो सारे कस्मों में पड़ गए हैं कि वो क्यों कस्में खाते थे क्या खाते थे हालांकि जैसा कि मैंने दूसरी पुराने करीम की आयात से आपको साबित किया है वो कस्में खाया करते थे कि हम आपके मुती हैं आपको सच्चा मानते हैं और उसके बावजूद अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक फ़ैसले नहीं किया करते थे बल्कि उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल आज खुद अपनी तरफ से कर लिया करते थे ये वो लोग हैं जिनके मतलब ये आयात नाजिल हो रही हैं और इन लोगों का तलु रसूल वसम के ज़माने से नहीं बल्कि हमेशा के लिए आइंदा ज़मानों से भी है क्योंकि वो आयत जो तमाम दुनिया को अल्लाह और रसूल की अतात की तरफ बुलाती है और की अतात की तरफ उस आयत का ताल्लुक हर ज़माने से है और वही बुनियाद है इसकी उसके बाद ये सब ज़िक्र चले हैं तो फरमाया कि ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे कि जब उनके झगड़े हों और वो समझें कि वो झगड़े अगर हम निज़ाम जमात या या निज़ाम इलाही की तरफ लेके जाएँ तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और अगर हम आपस में तय कर लें या अदालतों में ले जाएँ तो ये तावत की तरफ जाना है यानी दीनी निज़ाम जो मोहम्मद अल्लाह और रसूल का निज़ाम है उससे हट कर वो ऐसे निज़ाम की तरफ रजू करें जो ताबूती निज़ाम है तो ऐसी सूरत में लाजमन उन पर मुसीबतें पड़ेंगी और कई ऐसे होंगे कि वापस लौटेंगे और कहेंगे हमने तो नकनीय ही से ऐसा किया था अब हमारा मामला निपटा दो और उनको मुसीबतें पड़ेंगी तो उनका रुख इस तरफ़ होगा इस आयत की सेहत को सौ फीसद आज भी जो रोज़मर्रा वाक़ गुज़रते हैं उनसे जांचा जा सकता है ये आयात किसी एक वक्त तक महदूद नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत और आपकी तरफ़ मामलात को रुजू करना एक दायमी हुकम है जिसका हरगर्ज़ किसी एक वाक़ा या किसी एक महदूद ज़माने से ताल्लुक़ नहीं और दायमी हुक्म हमें पूरा होता दिखाई दे रहा है अपनी आँखों से बैन ही इस आयत की तस्वीर को हम आए दिन मुकदमात के सिलसिले में देखते हैं अब इस सिलसिले में बहुत तफसीली बातें तो मैं नहीं करूँगा मगर इतना मैं आपको बता देता हूँ अमीर साहब भी इसके गवाह हों बैठे हुए हैं या इनके पास भी ऐसे मुकदमे आते हैं कि जब वो दोनों ये समझते हैं कि निज़ाम जमात से अगर हमने रजू किया तो जो हम चाहते हैं इन दोनों फरीकों में म होता है इतहाक़ों में ताबूत में दोनों फरीकों का म शामिल है दोनों अपने दिल की बदनीयती की वजह से ये समझते हैं कि ये मुकदमा अगर हमने निज़ाम जमात के सामने पेश किया तो जो हम चाहते हैं वही मिलेगा दोनों यही समझते हैं इसलिए हम निज़ाम जमात के तौर पर उनको छुट्टी दे देते हैं हम तो कहते हैं अच्छा तावत की तरफ ले जाओ जो ख़र्च करना करो जो मुकदमाबाजी करनी है करो इतना नुकसान उठाते हैं इतनी मुसीबत पड़ती है कि बेशुमार खर्च करके जो कुछ चाहते थे ज़्यादा मिल जाए वो ज़्यादा तो क्या मिलना था जो पल्ले था वो भी हाथ से जाता रहा और जब सब नुकसान उठा बैठते हैं नुकसान कर बैठते हैं अपना तो फिर जमात को कहते हैं कि देखो हमने तो सिर्फ निज़ाम जमात को इन झगड़ों से बचाने के लिए नेक नीति से ऐसा काम किया था और मामला अभी तक वहीं पड़ा हुआ है इसलिए हमारे दरमियान फैसला कर दें उस वक्त में ये हदायत है इन अमीर साहब को और सब उम्रा को कि अपने हाथ ही नहीं लगाना अभी इस फैसले को ये ख्याल कि गोया रसूल सल्लम को शौक़ था कि वह फैसला अपनी तरफ लेके जाए बिल्कुल झूठ है हम अपनी फितरत से जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं जब ये रूह गर्दानी करते हैं और दुनिया की झक मारते हैं तो हम इनसे कहते हैं कि अब जो चाहो करते फिर हो अब हमारे पास ना आना चुनाच ये दोनों ख़ानदान इस किस्म के बर्बाद हो जाते हैं यह गवाही है उनकी बर्बादी की जो इस आयत के हक़ में गवाही है ये वाक़ होता रहेगा हमेशा हमेश के लिए इसी तरह हुआ करेगा कि जब ये लोग खुदा के निज़ाम से हट कर किसी दूसरे निज़ाम की तरफ जाएंगे तो इनको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा इसी किस्म का एक ख़त कल भी आया था जिसमें एक साहब ने लिखा है कि मुझे हज़रत मसीम पर ईमान है आप पर ईमान है लेकिन निज़ाम जमात पर ईमान नहीं उनको मैंने जवाब लिखवाया है या लिखवाना है लिखवा दिया ना अभी लिखवा दूँगा अभी भी देता हूँ उनको मैं यही लिखवाना है कि आपने जब ये कहा निज़ाम जमात पर अतमाद नहीं तो इस सिलसिले में हमारे दस जो एक दो दिन के गुजरे हैं पीछे ये सुन लें एक दफ़ा वो दस सुनने के बाद आपके पास कोई इख्तियार नहीं रहता आप निज़ाम जमात को रद्द करके मुझसे काटें या अपना ताल्लुक़ मुझसे भी काटें मसीम से भी काटें फिर जहाँ चाहें जाए फिर आप पर जो मुसीबत पड़ेगी उसके बाद ये ना कहना कि हमने नेक नीयती से ऐसा काम किया था लेकिन अगर निज़ाम जमात को आप अल्लाह का निज़ाम समझते हैं जो अल्लाह ने इस दुनिया में इस दौर में क़ाय फ़रमाया है तो फिर आपको हरगिज़ कोई हक़ नहीं कि निज़ाम से कट जाएँ और मुझे भी निज़ाम से काटने की कोशिश करें एक किस्म की चापलोसी है आप तो पूरा ईमान है जमा हजमसी ईमान लेकिन हज मौज और आपने जो निज़ाम कायम कर रखा है वो झूठा है ऐसी डब बात है कि बैक वक्त कबूल हो ही नहीं सकती बाज़ ने मस्जिद ज़रार के निज़ाम का वाक़ा इन आयात से बांधा है और मुसीबत जब उनको पड़ी तो वो तेरी तरफ तो आपकी तरफ भागे भागे आए इसमें इतनी बात तो मिलती है कि मस्जिद जरात से मतलब वो ये कहते थे कि हमने नेक नकनीयती की खातिर ये डेढ़ की मस्जिद अलग बना रखी है इससे ज़्यादा इस वाक़े से इसका कोई तल्लक नहीं यहाँ हज़रत इमाम शौकानी ये नुकता लाते हैं बम खदमत ए दहम से मुराद ये है कि वो गुनाह जो उन्होंने उनसे सरजद हुए उन गुनाहों के नतीजे में उनकी ये हालत हो जाती है कि वो ताबूत की तरफ जाना पसंद करते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है हमेशा इन लोगों के दिल में कोई ईर कोई ऐसी जगह बना लेता है कि उसके बाद उनको खुदा और ख़ुदा के निज़ाम की बजाय शैतान की तरफ़ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तो उनके मिजाज के से मुताबकत रखता है तो के भी राजी में हज़रत रसूल सल्हलम से फ़ैसला ना कराने की तोजीहत बयान की गई हैं ये सारी बातें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं मैं अमूमी फ़ैसला दे चुका हूँ इस मामले में कि मेरे नज़दीक यानी मेरा अपना ज़ाती फैसला ये है कि ये सारी बैतें वैसे आयात के स्याक सबाक और तसलसल को ना समझने के नतीजे में पैदा हुई हैं किसी इनफरादी वाक़ा से इन आयात का कोई ताल्लुक नहीं है किसी मुनाफे को ढूँढ कर तलाश करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये जारी सिलसिला है आज भी जारी रहे है और कल भी जारी रहेगा और ये आयत, आयात आयातें पुरानी के दवाम पर जाहिर करने वाली एक दलील है दवाम को जाहिर करने वाली कि मुसलसल चल रही हैं और एक मज़मून दूसरी आयत उठाती है और आइंदा ज़मानों तक इनका असर चलता है चलता रहेगा <laughs> उलायक लजीन यालमिल्लु माफी ख़ुलूब वारिज अनहम वम वह फ़ी अन्फुसम कौलम बलीगा ये वो लोग हैं जो कुछ उनके दिलों से दिलों में है अल्लाह ताला उसे ख़ूब जानता है बस तू उनसे एराज़ कर और उन्हें नसीहत कर और उन्हें उनके नफूस के मुतल मौसर बात कह अब जहाँ एराज का हुक्म है वहाँ मुफसरीन ने एराज ना करने का नतीजा निकाला है और ऐसे झगड़े में मुबतला हो गए हैं कि क्यामत तक ये झगड़ा फिर तय नहीं हो सकेगा अगर इस पिंड पिंडोरा बाक्स को खोल दिया जाएक लजीना यालमुल माफी खलूब साफ जाहिर है कि तुम नहीं जानते उनके दिलों में क्या है अल्लाह जानता है उनके दिलों में क्या है फारिजन हूँ इसलिए तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उनसे एराज करो जहाँ तक मुमकिन हो उनसे रूगरदानी करो उनके मामलात में दखल अंदाजी ना करो इज़ हम और उनको नसीहत करो वक़ुलहम फ़ी अनफ सहम कलम बलीग और उनसे ऐसी बात करो जो उनके दिलों की गहराई तक उतर जाए यानी नसीहत ऐसे अंदाज से करो कि उनको समझ आने लग जाए कि असल हकीक़त क्या है और वो अपनी गलती से बाज आकर दोबारा इलाही निज़ाम से मुंसलिक हो जाएं ये इसका वाज माना है जिसके स्वाओ और कोई वाज कोई माना इस तरफ मनसूब हो ही नहीं सकता लेकिन जब बैसों में पढ़ते हैं तो देखें कैसे कैसे बारीक नुक़े बयान करते हैं हज़रत इमाम रागब ने एराज के माने में जो आयात पेश किए हैं वो आरज़ जाहिलीन, मन आर दिक्री वह अन आयातहा मोरदून यहाँ सब एराज़ करने वालों की बात का ज़िक्र क़ुरान ग्री में जो मौजूद है आयात के हवाले से किया गया है जब कहा जाता है जाहलिन से एराज कर तो मुराद ये है कि उनके मामलों में दखलानंदाजी न कर उनको अपने हाल पर छोड़ दे वमन और ज़िक्री जिसने मेरे ज़िक्र से एराज किया यानी मेरे जिक्र से तोजो फेर दी उसका मामला अल्लाह के पास है अल्लाह जो चाहेगा उसे सलूक करेगा वम अन आयातहा मोरदून और वो जिक्र ज़िक्रलाही की जो आयात हैं उनसे एराज करने वाले हैं वो जैसा कि फ़ुरा मन आरदा अन झिक्री बस अयातहा मोरजून से ज़िक्र से ए मुराद है वह अयातहा मोरज़ून हजर इमाम क़ौन बलीगा के ज़िमे में लिखते हैं मकानी या ज़मानी हर दो लिहाज से किसी मकसद या अमर की आखिरी हद को पा लेना ये माना बहुत ही लतीफ़ और उम्दा माना है और इसको मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इसको आप हमेशा पेश नज़र रखें माउन ज़िला इलाक़ा में बलर से क्या मुराद है और हम जो तबलीग में मसरूफ़ हैं तो हम बलर का हक कब अदा करेंगे जब तक लफ्ज़ बलर को ना समझ लें उस वक्त तक इस मजमून को का हक अदा नहीं हो सकता इमाम रागब फरमाते हैं मकानी या अंदरूनी हर दो लिहाज से किसी मकसद या अमर की आखिरी हद को पा लेना यानी अगर तबलीग करना है तो ऐसी तबलीग करो कि उस शख्स के समझने के लिए जितने भी इम्कान हैं उसकी अकलो फहम की जितनी भी हदूद हैं उसके आखिरी किनारे को छू जाओ तो आई तरफ से एक अदना सी कमी किसी पहलू से ना हो इसको कहते हैं बलद बाक़ी सारी वही बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि बेतल्लुक इस साज की तरफ मंसूब की गई हैं तो ख़ास चीज़ काबिल ज़िक्र हुई तो मैं आज कर दूँगा अब देखें आरज़ का माना बिल्कुल उलट ले लिया गया है अलामा करत भी एक माना ये बयान करते हैं कि मुराद ये हो सकती है अन कबूल एतराज़ हैं आरज़ अन कबूल एतराज़ एम यानी उनका उज़र कबूल करने से एराज करो बात पहुँचाओ और उनका उज़र कबूल न करो और बाज़ ने यह कहा है कि जब कबूल न करो तो फिर मारोगे क्या करोगे तो बादसरी लिखते हैं कि यहाँ मुराद ये है कि कुल्लाहम फीन फैम कौलन बलीगा यानी उनको तखलिया में राजदाराना तौर पर मौसर डांट टपट करो हसन कहते हैं इसे मराज़ ये है कि उनको बता दो कि अगर तुमने दिल की बात ज़ाहिर की अगर तुमने दिल की बात ज़ाहिर की तो मैं तुमको कत्ल कर दूँगा ये है राज है अलीहदगी में छुप कर उनको समझाओ ऐसी बातें ना किया करो और उसके बाद भी अगर उनके दिल में ये बात बैठी रहे जो भी बात है तो उनको वर्त तो दे कि देखो अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें कतल कर दूँगा ये मुरादा है शायद से अम्मा राजी लिखते हैं कि इसका माना यह है कि तू उनसे एराज करने पर ही इक्तफा कर और उनकी परदा दरी मत कर एराज करने पर ही इक्तफा कर और परदा दरी मत कर और परदा दरी ना करने की वजह ये बयान की है कि अगर परदा दरी की तो वो शरारत में और बढ़ जाएंगे इस आयत में कहीं भी ये इशारा मौजूद नहीं लेकिन अल्लामा राजी मुख्तलिफ मुफस्सरीन के कौल दर्ज करते रहते हैं इसलिए कोई बैद नहीं कि किसी और मुफसर का कौल दर्ज किया हो इसी तरह अल्लामा राजी ही तफसीर कबीर में लिखते हैं वाइज़ुम से मुराद है कि अल्लाह ताला उनको नफाक मकर व हसद और झूठ पर डांटता है नीज़ आख़रत की सजा से उनको खौफ दिलाता है जैसा कि फरमाया उदोलासबी रबिक मुख्तलिमाखी बहसों में वो ये सारी बातें कह रहे हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो काबिलबूल नहीं हैं आखिर पर अपनी बात जो कहते हैं वो बहुत अच्छी रुंदा बात है कहते हैं ये भी कहा गया है कि वाइज़ से मुराद कौल अजाब अल्लाह के अजाब से आखिर के अज़ाब से डराना है और कौले बली से मुराद दुनियावी सज़ा से रहा है गो, गोया उनसे कहा जाए कि तुम्हारे दिलों के निफाक और शर को अल्लाह ताला जानता है बस तुम्हारे और तमाम दूसरे कुफार के माबेन कोई फ़र्क नहीं रहा अल्लाह ताला ने तुम पर से तलवार सिर्फ इसलिए उठा दी है कि तुमने अपना ईमान जाहिर किया है लेकिन अगर तुम इन गंदे अमाल पर मुदामत अख्तियार करोगे तो तुम्हारा कुफर पर क़ायम रहना सब पर वाज हो जाएगा तब तुम्हारे लिए तलवार ज़रूरी हो जाएगी बेतलुक वैसे तलवार का शौक़ जो है ना वो नहीं छोड़ रहा हूँ लोगों को बलीग वाज की सिफत है बस अल्लाह ताला ने वास का हुक्म दिया है फिर हुक्म दिया कि वाज़ कौल बलीग यानी असर करने वाली बात पर मुश्तम होना चाहिए और ये कि ये पुरासल कलाम पुरासर कलाम हुसने अल्फाज और हुसने मानी की का उम्दा मरक़ा हो जो उसने अमल की तरगीब तरहीब, आगे कुछ लोग और, और वईद वईद बद का अंजाम, ये वईद के बाद कामत डाल दिए थे इसलिए मैं रुक गया हूँ वईद नहीं बद का अंजाम से लिखना चाहिए थाने था। और जजास्ता पर मुश्तमिल हो अब ये बात बिल्कुल वाज है कि कलाम दिलचस्प हसीन हो दिलकश हो उमदा नशाय पर मुश्तमिल हो और दिलों की गहराई तक उतरे फिर इन लोगों के बचने का कोई इम्कान पैदा हो सकता है शेख अबूल हसन कुम्मी लिखते हैं कि इस दुनिया में जो दावत उनके दिलों में अली रज़ी के लिए है फ़ारज़ अन हूँ वज़ुम वह फ़ीअन फ़ुसम क़ौर बलीवा यानी उन पर पूरी तरह हजरत तमाम कर दे और उनके मामला को फिर क़्यामत तक के लिए छोड़ दे अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है जो मर्जी समझते रहे अगर क़्यामत तक के लिए सहाबा को नओज बिल् मिज़ाल गेदने उस खुलफा के ख़िलाफ़ बातें करने से बाज़ आ जाएँ और ख़ुदा पर छोड़ दें मामला तो बहुत अच्छी बात है लेकिन छोड़ते नहीं अब आयत पैंसठ है वार सल्लाम रसूलिन अल्लाब इज़न ला व लौम इज़लमू अनफम जाऊ का फफ़र वस्तफ़र लवज़दुल्लाह तवाबर रहीमा और हमने कोई रसूल भी सवाए सज़ के कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अतात की जाए नहीं भेजा और जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था अगर उस वक्त वो तेरे पास आते और अल्लाह से बख्शिश चाहते और रसूल भी उनके हक़ हक में बख्शिश तलब करता तो ज़रूर अल्लाह को बहुत शफ़कत करने वाला और बार बार रहम करने वाला पाता पाते यहाँ हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह तहुने जो तफसर सीर में तर्जमा दिया है ये वही है जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है इसमें कोई शक नहीं कि मिन लोग उस वक़्त वो मौजूद थे इसलिए इसी तरह उनका हवाला देना चाहिए था मगर जो बयान मेरा पहला गुजर चुका है उसकी रूह से भी ये आयत एक दायमी असर वाली आयत है अगर रसूल अल्लाह और रसूल की अतात वो इसलिए कबूल करें कि वो अल्लाह के इजन से है तो फिर उसके बाद उनके लिए सवायश के कोई चारा नहीं कि जब भी उनसे कोई ग़लती हो वह इस्तार करें और अल्लाह और रसूल से भी इसफ़ार चाहें लवाजदुल्ला तवर रहीमा यहाँ यह नहीं फरमाया कि वह रसूल को तोब और रहीम पाएँगे लवाजा तवर रहीम वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा तवाब और रहीम पाएंगे यहाँ रसूल से इस्तफ़ार के क्या माने हैं रसूल का उनके हक़ में बख्शिश तलब करने का क्या माने है? ये मुराद है वो अल्लाह से इस्तेफार करते हैं और रसूल भी अगर उनसे इस्तेफार करेगा उनकी तरफ से इस्तेफार करेगा तो ये बात खोलने वाली है जो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल पुराने ज़माने में रसूल सल्लम जो सब के लिए इस्तेफार चाहते थे उसका इजहार अब्दुल्लह बिन अवै बिन सलूल की रवायत से होता है किस कदर आपके दिल में मोमनों ही के लिए नहीं बल्कि मुनाफकों के लिए भी इसतफ़ार का जज्बा पाया जाता था यहाँ तक आपका फरमा आर्श करना अल्लाह के हजूर कि तुमने सत्तर मरतबागर रोका है तो मैं सत्तर से ज़्यादा मरतबा इस्तार करूँगा ये ताल्लुक़ हैं इन आयात के और वो इस्तार हमारे लिए जारी है ये माजी में नहीं रह गया इस आयत का दायरा ज़माने में महदूद नहीं है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको जब मुफसरन की नज़र से आप पढ़ेंगे तो इनको माजी की वाकयात के तौर पर पढ़ेंगे मैं इनको जारी और सारी हमें हर ज़माने के ऊपर इतलाक़ करता हुआ देखता हूँ और रसूल वसम का इस्तार हम सब के लिए मौजूद है वही इस्तार है जो हमारा सारा बना हुआ है बस जिस रसूल का इस्तेफार क़यामत तक के लिए हो उसे ज़माने से महदूद करना दुरुस्त नहीं है ये पहलू है जो मैं खोलना चाहता हूँ अगरचे हजरत मसैम मऊद ने इसका तर्जमा आयात की जमानी के ज़मानी हवाले की वजह से मजबूर वही किया है जो आपके सामने किया गया है लेकिन फ़िलहक़त जैसे जैसा कि मैंने बात खोल दी है ये किसी जबानी ताल्लुक़ की आयात नहीं हैं अब इस पर बहुत लंबे मजामी हैं जो वक्त देंगे थोड़ा सा मुझे सफ़े पलटने में अब ये उस बात का चूँकि गलत तर्जमा समझ चुके हैं एक दफ़ा उस बात का पीछे नहीं छोड़ रहे मुफरीन यानी जब उन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया अपना फ़ैसला तवूत के पास ले गया और उस रसूल से फरार की अख्तियार की तो फिर वापस लौटना पड़ता है उनको फिर उनको इस्तिग़फ़ार करना पड़ता है ये सारे किस्से पहली आयत के हवाले से गुजर चुके हैं इसलिए मैं इनको दोबारा नहीं उठाता अब ये भी एक ऐसी फ़र्जी कहानी घर ली गई है जिसका ना कुछ सर है ना पैर अबुल असम अबू बकर असम कहते हैं कि मुनाफीन की एक जमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक तदबीर पर आपस में इकट्ठी हुई अब इस आयत का देखें क्या ताल्लुक है इससे कोई दूर नज़दीक इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता और इस गरज के लिए आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए आज के पास जब्रील आए और आपको मुनाफीन की इस तदवीर से इतला कर दी हालांकि मुनाफिक को तो उनकी पेशानियों से रसूल सल समझते थे तमाम मुनाफिक पर आपको इतला थी जिस पर रसूल ने फरमाया कि एक ऐसी जमात आई है जिन्होंने एक ऐसा इरादा किया है जिसे वो पा नहीं सकेंगे बस वह खड़े हो जाए और अल्लाह ताली से इस कदर इस्तफ़ार करें यहाँ तक कि मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करने लगूँ ये मुनाफिन ही थे जो गए थे इस रिवायत के मुताबिक और उनको कहना कि जिन्होंने तस्वीर किए वो खड़े हो जाए ये क्या मतलब हुआ वो तो मुनाफिक जमात ग्रोह गया था उसी ग्रोह के मतलब कहते हैं जबील ने बताया था तो आपने उनको बिठा दिया गोया कि और फिर आप बताओ किस किस ने तदबीर की है खड़े हो जाओ और इतना इस्तेफार करो खड़े होकर कि मैं तुम्हारी बख्शिश की दुआ करने लगूँ उनमें से एक भी खड़ा न हुआ तदबीर लेकर गए थे लेकिन खड़ा कोई ना हुआ इस पर उसम ने उनके नाम ले लेकर फरमाया ए फलां तू खड़ा हो जा ए फलां तू भी खड़ा हो जा ए फलां तू भी खड़ा हो जा उन बारह के बारह आदमियों को आपने खड़ा कर दिया खड़े होने के बाद उन्होंने कहा जो कुछ आपने बयान किया हमने इसी के अरादा किया था हम मानते हैं और हम हाँ अपने इस जुल्म की वजह से जो हमने अपनी जानों पर किया है अल्लाह ताली की तो झुकते हैं बस आप हमारे लिए बख्शिश तलब कीजिए इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ मामले की इब्तिदा में मेरा तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करना अखरब था और इस बात का ज़्यादा इमकान था कि अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में मेरी दुआ कबूल फरमाता लेकिन अब मेरे पास से चले जाओ ये एराज है जी वो गरीब चीज़ है अब आगे इतराज़ फर्जी इतराज़ का जवाब दिया गया है एक कहने वाला कह सकता है कि अगर वो अकेले बख्शीश तलब करते और सही तौर पर तौबा करते तो क्या अल्लाह तला उनकी तौबा कबूल न फरमाता कि नबी इक्रमली वल्लम के इसफ़ार को उनके इस्तफ़ार के, 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 के साथ मिलाने की क्या ज़रूरत है ये बात कि नबी अक्रम सल सल्ला वसम के इस्तार को मुनाफिकों और गुनागारों के इस्तफ़ार के साथ मिलाने की क्या ज़रूरत है ये बहुत अहम नुक़ता है लेकिन इसका पहली बात से कोई तल्लक़ नहीं है ये नुक़ँ यह है कि मुनाफिक के लिए जब भी वो अपने गुनाहों से तोबा करें और इस्तिग़फ़ार करें उनके लिए ख़ाली वो इस्तिग़फ़ार काफ़ी क्यों नहीं समझा गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी करार दिया गया एक वजह ये बयान की गई है कि उन्होंने दो गुनाह किए हैं एक अल्लाह का गुनाह किया है और एक रसूल का गुनाह किया है अल्लाह का गुना, अल्लाह का काम है बख्शे ना बख्शे लेकिन रसूल का गुना जो उससे एराज़ किया उसकी तकफीफ़ की ये ऐसा गुना है कि जब तक रसूल उसको बख्श ना दे यानी उसको बख्शने के नतीजे में अल्लाह ताला से उनकी ख़दर इस्तार ना करे उस वक्त तक ये बात मुकम्मल नहीं होती इतने हिस्से में मुझे हिकमत दिखाई देती है मुझे ये हजून अच्छा नज़र आया है कि आज सल्हसम की भी जो गुस्ताखी इन गुनागारों के एराज के नतीजे में दिखाई देती है इस गुस्ताखी पर अल्लाह ताला ने यह चाहा कि मोहम्मद रसूल ख़ुद इसको बख्श कर और मुझसे बख्श के तलबगार हो हों फिर ये मामला साफ होगा और इसको गोया के सफरस्ती से मिटा दिया जाएगा यानी उस जुल्म को अब अतात की बहस में बहुत कुछ जोर मारा गया है और बहुत से ख्याल का इजहार किया गया है वो कहते हैं अतात बेज़नला इसके सिलसिले में जो मैं पढ़ा है सब रवायात पढ़ के सुनाना या ख़याल पढ़ के सुनाना मुमकिन नहीं लेकिन मैं मुख्तर मजमून आपको समझा देता हूँ जितने भी रसूल पहले गुजरे हैं उन सब का जिक्र है वुमा सामसूल अल्लाब इज़्न है सवाइायश के कि उसकी अतात की जाए अल्लाह के हुक्म के साथ ये मामला सिर्फ़ रसोल्लम के लिए ख़ास नहीं है जितने भी रसूल गुज़रे हैं सबकी अतात का हुक्म है अल्लाह के इज़न के साथ इस पर अजीब वरीब बहसें ये उठाई गई हैं कि अल्लाह के इज़न के साथ अगर उनकी अतात फ़र्ज है तो फिर अतात से निकलने का क्या इम्कान मौजूद है अतात से गुरेज कैसे हो सकता है जबरी जबरीदे वालों ने यह नुक्ता इससे उठाया है वो कहते हैं याद साफ बता रही है कि जितने भी रसूल आए हैं उनकी अतात का हुक्म अल्लाह के यजन से था और अल्लाह के हिजन से रूब गदानी मुमकिन नहीं इसलिए इस हुक्म के बावजूद जिन लोगों ने अतात नहीं की गोया उनके लिए मुकद्दर था क्योंकि अल्लाह के हिजन से वो बार भाग नहीं सकते थे तो गोया अमन रिसाद का ये मतलब निकलता है कि अल्लाह के, अल्ला के इज़न में जो गुज़त अम्बिया को अता हुआ ये बात दाखिल थी कि इस इज़न की नाफरमानी करने वाला एक बहुत बड़ा गुरु होगा और मेरे इजन की नाफरमानी का बंदों को हक़ ही कोई नहीं सवाश इसके कि मैं इजाज़त दूँ बस इजन से मुराद ये है कि मेरी इजाज़त से वो लोग नाफरमानी करेंगे बस जबरिया कहते हैं कि जब अल्लाह की इजाज़त से नाफरमानी की या उसके हुक्म से नाफरमानी की तो उनका अपना क्या इख्तियार था इसलिए बेख्तियार मारे गए वो ये तो नहीं कहते बेअ्तियार मारे गए उनके लिए तो हर चीज़ जबरिया ही है मगर मुख्तलिम के बहसों में के साथ बहसों में जबरिया ने इस आयत पर भी इंसार करने की कोशिश की है ये वो मजमून है जिसको आपको पेश नज़र रखना चाहिए अब मैं चंद उनकी बातें में आपके सामने अगर वक्त इजाज़त दे तो खोल देता हूँ वक्त जो है वो ज़्यादा देते ही नहीं कभी <laughs> क्योंकि तस्वीर के मामल बड़े दिलचस्प और धीमे धीमे समझने वाले हैं आस्ता आस्ता कभी कभी इस मामले में कभी कोई हमारे बशीर याद साहब एक चमक पैदा कर देते हैं यानी मगर वैसे धीमी चीज़ है ये आस्ता समझने वाली बातें हैं इसको हमेशा इस इसराइम लें कि वह हर वक्त आपके दिल में एक दिलचस्पी कायम रहेगी आपको दिलचस्पी कलामुल्ला से होनी चाहिए और उसको समझने के लिए जावियों से कलामुल्ला के अलफा पर गौर करना ज़रूरी है ये तफसीर है अगर इस पर से आप इस तरह गुजर जाएंगे तो इन शाल जब भी आप तलावत क़ुरान करीम की तलावत दोबारा करेंगे आपके दिल पर मजामी अस खुद उतरने शुरू हो जाएंगे इस सारे तो बैसे शुरू हुई हैं मैं इनको नहीं छेड़ता ये वो रवायत है इमाम राजी की जिसके मतलब मैंने अर्ज़ किया था कि जबरिया फ़िरका इसको इस्तेमाल करते हैं कहते हैं कि यह आयत फ़िरका जबरिया के मज़हब का बुतलान भी करती है अबू अली अलीलजबाई इसी आयत को उनके बुतलान के लिए इस्तेमाल करते हैं और फ़िरक़ा जब्रिया वाले इसी आयत को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं ये है जो पीछे नज़र रहना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं अब आयत जब्रिया के बतलाना करती है क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल इसलिए भेजे हैं कि उनकी नाफरमानी की जाए इल्ला बे इज़्ने इल्ला जो कह दिया वो बात आपको समझा दी है जबरिया कहते हैं कि रसूल इसलिए भेजे थे कि उनकी नाफरमानी की जाए क्योंकि इज्न से बाहर जाने का तो अख्तियार नहीं थी अख्तियार नहीं था और उसके बावजूद अक्सरियत ने उनकी नाफरमानी की है इसलिए आप कैसे समझ सकते हैं कि वह अल्लाह के इज़न के ख़िलाफ़ बाहर गए तो अल्लाह के इज़न में ये शामिल था कि मैं रसूल भेजूँगा तुम नाफरमानी करना इस आयत से उन्होंने ये इस्तेमाल किया है अलामा अली अल अलजाई इसी आयत से उनके इस इस्तेमाल इस इस्तेमाल को रद्द फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत में इन जबरिया का ये मिठे हुए फिक्रे हैं इनका गोया मौसर वाह जवाब दिया है वो ये कहते हैं कि ये आयत जबरिया के हक़ में तो नहीं ज़ाहिर नहीं मगर अगर कोई और आयत को सारे क़ुरान में भी जबरिया के ख़िलाफ़ ना होती तो यही एक आयत काफ़ी थी इनके रद के लिए बस अगर उन्होंने यही कहना था तो यूँ कहते कि अतात तो और नाफरमानी करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे हैं बस ये बात इस समय पर दरार करती है कि मकसूद एलाही किसी रसूल की नाफरमानी नहीं था बल्कि अल्लाह ताला सिर्फ ये चाहता था कि पैगंबर की अतात की जाए ये बारीक नुकता ये उन्होंने ये निकाला है कि ये आयात करीमा अगर जबरिया के अकीदे के मुताबिक इनका तर्जमा किया जाए तो तमाम रसूलों का भेजा जाना गोया के इस मकसद के लिए था कि ताकि अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की जाए और ये खुदा तला के ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है क्योंकि अल्लाह ताला दूसरी जगह अपने रसाल रसूलों के मतलब अतात की शर्त इतनी लगाता है कि उस पर जबरीओं का यकीदा बिल्कुल बेहकत तो और बेमानी हो जाता है ये इतना सबक़ था बात करने की मुझे ख़म हो गया अब कुछ बातें मैं देख लूंगा बाद में इसको अगर जरूरत हुई तो रख लेंगे वरना फिर अगली आया शुरू कर देंगे ये रख लें सबक ठीक है चलिए सामेकम